ये आ गया है कुन्नूर रेलवे स्टेशन। यहीं से टॉय ट्रेन चलती है। जो एक जने का टिकट है वो टिकट की कीमत है 350 रुपये, और जो टाइम लगता है यहाँ से कुन्नूर पहुँचने का, सॉरी ऊटी पहुँचने का, ऊटी पहुँचने का अन्ना कितना टाइम लगता है यहाँ से? 1 घंटे का टाइम लगता है। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से रेल? 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 18 किलोमीटर को तय करने में 1 घंटा लगता है। ये कुछ एम्बियंस है, ये कुछ माहौल है रेलवे स्टेशन का कुन्नूर के। टेम्परेचर ठीक है, बहुत मस्ती वाला है टेम्परेचर, तो कोई दिक्कत नहीं है, नैनीताल जैसा। ये कुन्नूर का रेलवे स्टेशन है, और ये ट्रेन है जो थोड़ी देर में हमें ले जाएगी ऊटी। बहुत ही शांत सा रेलवे स्टेशन। ये देखिए, पानी हमें बॉटल में नहीं मिला, यहाँ पे प्लास्टिक बैन है बोल रहे थे, तो पानी यहीं से पिया। और ये एक चाय की दुकान है यहाँ पे छोटी सी, आपको यहाँ चाय मिल सकती है और पानी मिल सकता है, कुछ बिस्किट्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं कितना आनंददायक ये सफ़र रहता है। मैं आपको एक एक चीज इस रास्ते से जुड़ी हुई दिखाऊंगा। 6:05 PM ट्रेन जाने के लिए तैयार है। मैं भी चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फर्स्ट क्लास का टिकट है, और मस्ती करते हुए जाएंगे। मूव नहीं कर रही है ट्रेन अभी तक। ये कुछ इस तरह का माहौल है रियली। कुन्नूर को अपने साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्लास यही है। मेरा जो सीट नंबर है वो 15 है, आप देख सकते हैं 15। और मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। आशा करता हूँ कि अच्छा सफर होगा, मजेदार सफर होगा। यूनिफॉर्म देख रहे हैं एज पर सीट नंबर मूवमेंट है। स्टाइल मैल भी आया। रोड क्रॉसिंग अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फॉरेस्ट के अंदर। अरे स्टॉप ले लो सीधा, 15 मिनट लग गए। जो सामने वाला केबिन है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे लगते हैं ट्रेन में। देखिए एक्साइटेड है काफी, मस्ती भरा सफर है, बहुत ही मजा इंकोसारी। देखिए ट्रेन आ रही है, शायद इस वजह से हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। अच्छा यहाँ जो है ना पाइन ट्रीज काफ़ी हैं ऊटी में। एक चीज़ है, ये जितने भी आप ट्रीज देख रहे हैं ये एक्चुअली पाइन है,
ये क्लिप्टस भी है, बट ज़्यादा यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो पाइन का है। जो प्लांटेशन है ऊपर, ये पूरा टी गार्डन है। ये देखिए बहुत लंबा टी गार्डन है, काफी बड़ा टी गार्डन है। एक और स्टेशन आया जिसका नाम था केटी। ऊटी आ गया है और इस स्टेशन का नाम है नंबर पे ये देखिए स्टेशन का नाम है दुर्गामंडलम। बहुत शानदार ये सफ़र रहा रियली। मुझे लगता है इस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट किया होगा वो बच्चों ने किया होगा। आपने देखा कि कितना बच्चों ने इन्जॉय किया, बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इन्जॉय किया। आप जब भी ऊटी आएँ, तमिलनाडु आएँ, तो
इस सफर का आनंद जरूर रहे। 20 किलोमीटर का सफर, एक घंटा और मस्ती भरपूर, रियली बहुत मजा आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। थैंक यू।